आशा, आपका स्वागत है आशा की गार्डनिंग में, मेरी खुशियों की बगिया में, मेरी खुशियों की बगिया में। फ्रेंड ये देखिए कितने सारे जो है मेरे स्नेक प्लांट लग रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ऐसे आज मैं ऐसे प्लांट्स के बारे में आपको बताऊंगी फ्रेंड, जिन्हें आप एक सिंगल लीफ से ग्रो कर सकते हैं। और उस श्रृंखला का मेरा पहला प्लांट है ये जेड प्लांट, या आप इसको क्रेसला बेटा भी कह सकते हैं, या आप इसको लकी प्लांट भी कह सकते हैं। तो इसको भी आप एक सिंगल लीफ से ग्रो कर सकते हैं। ये मेरा एक प्लांट थोड़ा सा बाहर पड़ा रह गया था और मैंने इसे गौर नहीं किया, तो ये थोड़ा ख़राब होने लगा, लेकिन मैं फिर से इसे ठीक कर दूँगी। और ये जेड प्लांट, इसको भी आप एक सिंगल लीफ से ग्रो कर सकते हैं। और इन सारे प्लांट्स को आप सिंगल लीफ के साथ साथ कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं फ्रेंड। और ये देखिए, ये छोटा सा जो है, आप इससे इसको अगर आप हल्का सा मिट्टी में दबा देंगे तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे इसमें हल्की सी रूट आनी शुरू हो गई है। और ये तो अभी आपने देखे ही हैं मैंने कितने सारे ग्रो कर रखे हैं। स्नेक प्लांट ड्राय वैरायटी का है, ये शॉर्ट वैरायटी का है, तो आप बहुत सारे इसको भी ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत लगते हैं फ्रेंड, आपके कॉफ़ी मग में, टूटे हुए कॉफ़ी मग में, या किसी छोटे से कूलड़ में। और ये है वंडरिंग जू, इसको भी आप एक सिंगल लीफ से ग्रो कर सकते हैं, या इसकी छोटी सी कटिंग भी ले सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसे ग्रो कर सकते हैं। और ये है फ्रेंड प्रोटोकोला, और इसको भी जो है आप इजीली एक छोटी कटिंग से या एक दो तीन पत्तियों से ग्रो कर सकते हैं। ये सैकुलेंट, और सैकुलेंट तो आप सारे सैकुलेंट को जो है कटिंग से ग्रो कर, ये सॉरी सिंगल लीफ से ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसके एक लीफ लेकर के उसको हल्के से मिट्टी में दबा दीजिए उसके पीछे वाले सिरे को, और आराम से जो है इसमें जो है एक नई सैपलिंग जो है ग्रो होने लग जाएगी। इसी श्रृंखला में देखिए आप, ये मैंने ये इस तरीके से मैंने एक लीफ को दबा दिया था, और लीफ पे देखिए आप एक अच्छी खासी सैपलिंग जो है ग्रो हो गई है। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। ये पीस लिली, इसको भी जो है आप थोड़ा सा लेकर के एक लीफ लेकर के ग्रो कर सकते हैं। स्पाइडर प्लांट को भी आप इतनी सी लीफ लेकर के इसकी ग्रो कर सकते हैं इसको इजीली। और ये सारे प्लांट जो हैं फ्रेंड इजीली ग्रो होने वाले और वेरी लो मेंटेनेंस प्लांट है, ये कोई ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगते हैं, तो बहुत अच्छे से ये ग्रो हो जाते हैं। और ये देखिए आप, ये बोट लिली, इसको भी आप इजीली ग्रो कर सकते हो एक सिंगल लीफ से। तो प्रोटोकोला को भी जो है फ्रेंड आप इजीली जो है कटिंग से ग्रो कर, सॉरी सिंगल लीफ से ग्रो कर सकते हो, या कटिंग से ग्रो कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड, अगर प्रोटोकोला का जब सीज़न आता है तो उस समय अगर आपके पास एक छोटी सी कटिंग भी इसकी कहीं से आपको मिल जाती है, तो धीरे धीरे करके आप उसकी एक एक लीफ से भी आप इसको आगे ग्रो कर सकते हैं। और साथ ही सिंगोनियम को भी आप कटिंग सिंगल लीफ से ग्रो कर सकते हैं। और ये जो मनी प्लांट है फ्रेंड, मनी प्लांट तो आपको पता ही है सारे घरों में पाया जाता है इजीली, और लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपको अगर कहीं से एक सिंगल लीफ भी इसकी मिल जाती है तो इजीली आप इसको ग्रो कर सकते हैं एक सिंगल लीफ से भी, और आराम से जो है आप इसके कई सारे प्लांट बना सकते हो। मैं भी जब ये प्लांट लेके आई थी तो मेरे को भी एक छोटी सी कटिंग, वन लीफ की कटिंग मुझे मिल गई थी एक सिंगल लीफ की, और मैंने उस सिंगल लीफ से देखी कितना खूबसूरत मेरा ये प्लांटर लग रहा है और ये प्लांट कितना हेल्दी हो रहा है। तो बस इस तरीके से फ्रेंड, और ये स्नेक प्लांट को भी जो आप एक सिंगल लीफ से ग्रो कर सकते हो, अगर आपको कहीं से एक लीफ भी इसकी मिल जाती है तो उसकी कटिंग कर करके आप कई सारे प्लांट बना सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो बहुत अच्छे लगे तो आगे तक भी ज़रूर शेयर करें फ्रेंड, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आती रहूँ और मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो थैंक यू, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।